मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग होटी। ऑनलाइन टीचिंग होटी के आज इस वीडियो में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजीज के बारे में। बहुत सारे लोग मुझे काफी कमेंट्स कर रहे थे कि सर एक काम करिए कि आप सारे वीडियोस जो है वो प्लांट पैथोलॉजी के बना दीजिए, सारे डिजीज साइकिल आप जो है प्लांट पैथोलॉजी के बना दीजिए। मैं भी काफी टाइम से कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या होता है कि जब आप प्लांट पैथोलॉजी की बात करते हैं तो केवल आपको उसमें छोटी मोटी चीजें नहीं, बहुत सारी चीजें ध्यान में रखना होता है। प्रॉपर लाइफ साइकिल को ध्यान में रखनी होती है, इंसेक्ट क्या है, बहुत सारी चीजों को दोबारा से आपको जानना पड़ता है, काफी डेटा उसमें कलेक्ट करने पड़ते हैं ताकि आप लोगों को एक अच्छा डेटा मिल पाए। तो यहाँ पे जो मैं आज आपके सामने डिजीज लेकर के आया हूँ वो काफी पॉपुलर काफी सिंपल डिजीज होती है। और सिंपल क्या, अगर मैं बात करूँ तो आपको इस तरीके का मैं कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ जो वाकई में आपके लिए सिंपल हो, पूरी तरीके से एक शॉर्ट नॉलेजेबल हो और आप डिजीज साइकिल जो है या जो लाइफ साइकिल है उसको आप अच्छी तरीके से समझ पाए, उस डिजीज की जो लाइफ साइकिल है आप उसको अच्छी तरह से समझ पाए अगर हम प्लांट पैथोलॉजी की बात करें तो। और साथ में बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर जो फंजाई से रिलेटेड जितनी भी लाइफ साइकिल है वो आप सभी को देखने को मिल ही रही होगी अगर आप चैनल को लगातार विजिट कर रहे हैं तो, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है तो। बाकी ये वीडियो जो है प्लांट पैथोलॉजी आपके थर्ड ईयर के सिलेबस में होता है, बाकी एग्रीकल्चर के बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा रिकमेंड करने की कोशिश करते हैं कि सर प्लीज आप इस वीडियो को बना दीजिए। तो उनके लिए ये वीडियो आज का है जिसका नाम है येलोवीन मोजैक ऑफ ओकरा और भिंडी, ठीक है, जिसको कि हम लोग भिंडी भी कहते हैं। तो यहाँ पे येलोवीन मोजैक जो डिजीज होती है वो भिंडी के अंदर देखने को मिलती है। और अगर आपने मेरे सिम्टम्स का वीडियो देखा होगा तो मैंने बहुत पहले ही आपको ये बात बता दिया है कि जो मोजैक डिजीज होती है वो बेसिकली वायरस के द्वारा कॉज की जाती है, और वायरस के द्वारा कॉज की जाने वाली जो डिजीज होती है उनके सिम्टम्स बहुत कॉमन होते हैं। बहुत कॉमन मतलब कि कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनसे आप उनको बहुत ही इजीली तरीके से पकड़ सकते हो। क्यों, मैं आपको जो दो तीन चीजें बताऊंगा उसको ध्यान में रखिएगा। देखिए, फंजाई की बहुत सारी वेराइटीज होती हैं और उनकी बहुत सारी वेराइटीज होने के कारण वो अलग अलग तरीके से प्लांट पे अटैक करती हैं। कोई कोई पॉइजन भी रिलीज करती हैं, कोई कोई फिजिकल डैमेज करती हैं, कोई इनके सेल के अंदर अटैक करती है, कोई पूरे प्लांट पार्ट पे अटैक करती है, कोई वाइट रस्ट देती है, कोई मेल्डिंग देती है, कोई स्मट्स देती है। लेकिन जो वायरस होता है, सारे वायरस का अप्रॉक्स जो नेचर होता है सेल पे अटैक करने का वो बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम ही होता है, इसलिए इनका सिम्टम्स भी बहुत अलग निकल करके नहीं आता है। जैसे कि वायरस का जो सिम्टम्स होता है वो बेसिकली होता है कि प्लांट पार्ट को पूरी तरह से कर्ली बना देते हैं, मतलब कि अगर लीफ है जो एक स्ट्रेट है तो उसको ऐसा मोड़ और तरोड़ देते हैं, मतलब अगर वो इन्फेक्टेड हो गई तो पूरी तरीके से अनशेप्ड हो जाएगी, एबनॉर्मल हो जाएगी। तो वही चीज यहाँ पे हम लोग आज देखेंगे, सारी चीजें की बात करेंगे एक सीक्वेंस से। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि जब मैं डिजीज शुरू करता हूँ तो उस वक्त सबसे पहली चीज होती है उसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपसे बात करूंगा कि येलोवीन मोजैक के सिम्टम्स क्या क्या है, उसके कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या क्या है। कॉजल ऑर्गेनिज्म और सिम्टम्स जानने के बाद फिर हम लोग सीधे डिजीज साइकिल की तरफ चलेंगे, और डिजीज साइकिल के बाद हम लोग अपने डिजीज मैनेजमेंट में आएंगे, मतलब कि किस तरीके से हम उस बीमारी से बच सकते हैं, कौन कौन से उपाय करके हम उस बीमारी से सेफ हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें इंट्रोडक्शन की, तो आपके सामने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट, जैसे कि 1940 में महाराष्ट्र के अंदर ये डिजीज सबसे पहले रिकॉर्ड की गई थी, और ये जो थी ये काफी कॉमन डिजीज थी जो कि ओकरा के अंदर हमें देखने को मिलती थी, क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता था कि जब भी खेती होती थी तो उस कंडीशन में, उस टाइम पे जब कंडीशन थोड़ा सा कोल्ड होता था तो बहुत सारा जो होता था, जो हमारी भिंडी होती थी या ओकरा होती थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती थी, और ये अक्सर इसलिए होता था क्योंकि वहां पे कीड़ों का अटैक बहुत ज्यादा होता था। पर जब और ज्यादा स्टडी की गई तो बाद में पता चला कि कीड़ों का अटैक तो ठीक है, पर कीड़ों के अटैक्स के ही कारण नहीं, ये जो डिजीज है ये फैलती बहुत तेज है, और इसका इंटरनल पार्ट से मतलब कर्ली होना, लीफ का कर्ली होना, ये कहीं ना कहीं सभी के मन में एक सवाल खड़ा कर देता था। रीजन ये था कि अगर कोई भी पैथोजन किसी भी प्लांट पे अटैक कर रहा है, मान लीजिए कोई इंसेक्ट है अगर किसी प्लांट पे अटैक, उस समय के लोग ये सोचते थे कि इंसेक्ट से हो रहा है क्योंकि वहां पे एक वाइट फ्लाई होती है जिससे कि बेसिकली हमारी ये डिजीज फैलती है, वाइट फ्लाई जो एक वेक्टर का काम करती है। तो शुरुआत में लोगों ने सोचा कि ये जो वाइट फ्लाई है, यही वाइट फ्लाई जो है ये डिजीज कॉज कर रही है, मतलब ये इसी में कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे बीमारियां हो रही। बाद में जब देखा गया कि लीफ कर्ल हो रही है तो कर्ल लीफ जो होता है, जैसा कि मैंने कहा कि वो वायरस के इन्फेक्शन की एक निशानी होती है, तब लोगों ने स्टडी किया तो पता चला कि जो वाइट फ्लाई है, ये जो हमारी मक्खी होती है, ये बेसिकली क्या काम कर रही है
कि ये हमारे प्लांट के अंदर वायरस को इंजेक्ट कर रही है। ये जाकर के बात आगे जाकर के पता चली, और ये जो इन्फेक्शन होता है वो बेसिकली फरवरी मार्च के महीने में इनमें इन्फेक्शन देखने को नहीं मिलता है, बाकी आपको कभी भी देखने को मिल सकता है, पर फरवरी और मार्च के बीच में इन्फेक्शन नहीं होता है। ओनली रेनी क्रॉप सीजन क्रॉप, मतलब कि ऐसे क्रॉप जो कि रेनी सीजन में होते हैं उन्हीं के अंदर ये फ्लाइज अक्सर या फिर एफिड वगैरह जो है वो अटैक करती हैं। तो रेनी सीजन में बेसिकली ये बीमारी जो है वो फैलती है हमारे भिंडी के अंदर। अगर मैं बात करूं कि लॉस, तो इसमें तकरीबन 50-100% पेड़ जो होते हैं वो खराब हो सकते हैं, मतलब जो भी प्लांट होते हैं आई थिंक, ठीक है, वो क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। तो 50-100% जो प्लांट होते हैं वो ओकरा के खराब हो सकते हैं। तो बेसिकली आपने इसमें से क्या क्या जाना, सबसे पहली चीज आपने जाना कि वायरस से इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन फैलाने का काम एक वेक्टर यहाँ पे पाया जा रहा है जिसका नाम है व्हाइट फ्लाई और एफिड। तो यहाँ पे हम लोग व्हाइट फ्लाई की बात करेंगे, एफिड को हम लोग अभी दूर रखेंगे, व्हाइट फ्लाई की बात करेंगे। तो ये जो व्हाइट फ्लाई होता है ये बेसिकली क्या काम करता है कि वायरस को फैलाने का भी काम करता है, प्लांट को भी नुकसान पहुंचाता है, साथ में वायरस को फैलाने का भी काम करता है। इसीलिए यहाँ पे जो सिम्टम्स हैं वो वायरल सिम्टम्स देते हैं हमारे जो प्लांट्स हैं वो। अब अगर हम बात करें कॉजल ऑर्गेनिज्म की, तो कॉजल ऑर्गेनिज्म मतलब किससे ये डिजीज फैलती है, तो जैसा कि मैंने कहा कि इस डिजीज में आपको एक वेक्टर भी देखने को मिलता है, एक वेक्टर, वेक्टर मतलब कौन, मीडियम, जिसके द्वारा जो वायरस है वो फैल रहा है। दूसरी बात, इसमें आपको वायरस देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें कि इसमें जो पैथोजन होता है, तो उस पैथोजन, उस वायरस का नाम है भिंडी मोजैक वायरस 1। जैसा कि मैंने आपको बहुत पहले ही बताया है कि जो भी वायरस के द्वारा डिजीज फैलती है उसका नाम भी, नोमेनक्लेचर भी बिल्कुल उसी तरह से होता है जिसमें वो फैलती है। जैसे कि अगर वो भिंडी में फैलने वाला वायरस है तो हम लोग उसको नाम दे दिए हैं, क्या नाम दिए, भिंडी मोजैक वायरस नाम दे दिए, 1, भिंडी मोजैक वायरस 1 नाम दे दिया गया है। और एक और जो डिजीज से होती है वो होती है हिबिस्कस वायरस, जो वायरस है उससे ये डिजीज भी फैलती है। तो ये है, ये आप लोग बेसिकली ध्यान में रखना कि इस तरीके से ये बीमारी जो है वो बेसिकली हमारी फैलती है, आपको इसको ध्यान में रखना है, ये वायरस के आपके नाम है। अगर हम बात करें इसमें ट्रांसमिटेड बाय, तो जैसा कि मैंने कहा कि ये फैलती है हमारी व्हाइट फ्लाई के द्वारा, एफिड के द्वारा, और भी बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट हैं जो कि वायरस को फैलाने का काम करते हैं, लेकिन ये बेसिकली हमारी व्हाइट फ्लाई के द्वारा इन्फेक्ट होती है। अगर तीसरे पॉइंट की बात करें वीड्स की, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वीड्स हैं जो कि इन पैथोजन से इन्फेक्टेड होते हैं, जिनके बारे में आपको इतना नहीं जानना है, पर हाँ बगल में पॉइंट्स हैं, अगर आपको पढ़ना है लिखना है तो आप लिख लीजिए। अगर हम बात करें वार्म ह्यूमिड वेदर जो होता है, वार्म ह्यूमिड वेदर फेवर इंसेक्ट पॉपुलेशन, आपको पता है कि जो इंसेक्ट है वो वार्म वेदर जब होता है या फिर जब ह्यूमिड वेदर होता है, तो उस समय ये पैथोजन जो होते हैं वो सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, मतलब जो वेक्टर भी होते हैं वो सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी, बाकी जो वायरस है उसको हम बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं बोल सकते क्योंकि हमेशा वो उसी फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ पे एक्टिव होने का मतलब किससे है, इंसेक्ट से है। इंसेक्ट भी एक तरीके से सेकेंडरी पैथोजन का ही रोल प्ले कर रहा है। कैसे कर रहा है अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पे जो आपका इंसेक्ट है ना वो भले एक वेक्टर है पर प्लांट को पूरा नुकसान पहुंचाने की जिम्मेदारी इसने भी ली हुई है, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि जो इंसेक्ट है वो एक तरीके का पैथोजन में ही आएगा। क्यों आएगा भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो इंसेक्ट है आपका, उसको ह्यूमिड और वार्म कंडीशन पसंद है, इसलिए वार्म और ह्यूमिड कंडीशन में ये बीमारी ज्यादा डोमिनेट करती हुई दिखाई देती है। अगर हम लोग सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे आपको अफेक्ट लीव्स। अब अगर मैं बात करूं कि ये कैसे ये फैलाते हैं, तो थोड़ा सा आप जान लो कि जो हमारे इंसेक्ट होते हैं वो अक्सर क्या करते हैं कि प्लांट में इनको जहां पे भी, लीव्स में जहां पे भी इनको पोल दिखाई देते हैं, ये अपने स्टिंग को उसमें चुभो देते हैं, जैसे कि हमारा मच्छर चुभोता है हमारे शरीर में, ठीक है, उसी तरह अपने स्टिंग को लीफ में चुभो देते हैं, और लीफ में चुभोने के बाद क्या करते हैं कि लगातार उस लीफ के जो सैप होता है, जो लीफ के अंदर जो सेल होता है उसके साइटोप्लाज्म को सोखते रहते हैं, और उसी समय वो जो मच्छर होता है वो उनके, सॉरी, वो जो पैथोजन होता है, वायरस होता है, वो लीफ के कॉन्टैक्ट में आता है। उसके बारे में अभी डिजीज साइकिल में बात करूंगा। यहाँ पर सिम्टम्स की बात करें कि जब ये बीमारी होती है तो इस बीमारी में जो लीफ होती है वो अफेक्ट होती है, उसमें जैसे कि वीन क्लियरिंग होना शुरू हो जाता है, पत्तियां पीली होनी शुरू हो जाती हैं,
वीन्स जाम होने शुरू हो जाते हैं, वीन्स क्लोरोसिस होती है, क्लोरोसिस में मैंने आपको बता दिया कि क्लोरोफिल का नाश होना शुरू हो जाता है, क्लोरोफिल खत्म होने शुरू हो जाती है, जिससे पत्तियां येलो बीस भी होती हैं। उसके बाद थिकनिंग ऑफ वीन्स एंड विंगन्स एंड विनलेट्स, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी बीन्स होती हैं वो थोड़ी सी मोटी होनी शुरू हो जाती हैं, येलोविंग ऑफ लीव्स जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, स्टनिंग प्लांट हमारे कमजोर होने शुरू हो जाते हैं, लेस फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स जो होते हैं वो बहुत ही कम बनते हैं, लेस स्मॉल येलो डिमोन्स्ट्रेटेड फ्रूट, यहाँ पे फ्रूट वगैरह भी सारी चीजें कम बनती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इस केस में जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो काफी नॉर्मल हो जाती है, प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती, सारे पार्ट जो होते हैं वो बहुत ही छोटे हो जाते हैं और जो लीफ होती है वो हमारी करली होती चली जाती है। जस्ट अगर आपने देखा होगा फंजाई के अंत, फंजाई वाली जो व्हाइट रेस्ट ऑफ क्रूसिफर था जिसमें हम लोग हाइपरट्रॉफी की बात करते हैं, तो कुछ उसी तरीके का शेप हमें यहाँ पे भी देखने को मिलता है प्लांट के सारे पार्ट में। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, अफेक्टेड लीफ बताया, वीन क्लियरिंग बताया, वीन क्लोरोसिस बताया। तो वीन पे इनका प्रॉपर अटैक होता है क्योंकि ऑलरेडी वीन जो होती है वो फूड मटेरियल और इन सब चीजों के लेन देन के लिए जरूरी होती है, इसलिए वीन पे इनका काफी अटैक देखने को मिलता है। अब अगर हम दूसरी तरफ बात करें डिजीज साइकिल को लेकर के, तो काफी इंटरेस्टिंग है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। बाकी सिम्टम्स में आप सभी को बता दूं कि जो इनका सिम्टम्स होता है कि ये होता है कि बेसिकली जब ये सेल सैप को कंज्यूम करेंगे तो पत्तियां मुरझाएंगी भी, साथ में जो वायरस होता है जब वो अटैक करता है तो वो क्या करता है कि पूरे प्लांट का जो भी स्ट्रक्चर होता है उसको एबनॉर्मल कर देता है। तो करली होना एक अलग सिम्टम्स आपको दिखाई देता है जिससे कि आप पकड़ सकते हो कि जो बीमारी है ये हमारी कैसी बीमारी है, मोजैक बीमारी है और ये किससे हुई है, वायरस इन्फेक्शन के थ्रू हुई है। साथ में वीन क्लियरिंग वगैरह ये सब दिखाने के लिए काफी होते हैं। अगर हम बात करें दूसरी तरफ डिजीज साइकिल को लेकर के, तो डिजीज साइकिल काफी सिंपल है जैसा कि वायरस की लाइफ साइकिल में और डिजीज साइकिल में देखने को हमें मिलती है। क्योंकि वायरस जो होता है वो एक पार्टिकल होता है, अगर आप उसको सेल तक पहुंचा दो तो उसके बाद उसकी कोई साइकिल पढ़ने की जरूरत नहीं होती, ना तो वो स्पोर बना रहे हैं, उनका कुछ भी नहीं बनता, वो सीधे सेल को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं वायरस। तो बस वायरस को अंदर पहुंचा दो, वायरस अपना काम करेगा, डिजीज साइकिल खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, पहले डायग्राम पे आप देखेंगे व्हाइट फ्लाई आपको दिख रही होगी, जब एक इन्फेक्टेड व्हाइट फ्लाई जिसके अंदर ऑलरेडी वायरस मौजूद है, जिसके अंदर ऑलरेडी वायरस क्या है, मौजूद है, क्यों, क्योंकि अभी अभी जो वो व्हाइट फ्लाई है वो एक इन्फेक्टेड प्लांट से होकर के आ रही है जिसके अंदर वायरस मौजूद था, उसने अभी अभी उस प्लांट को सक किया है जिसके अंदर वायरस मौजूद था, उसने उसके साइटोप्लाज्म से वायरस को कंज्यूम कर लिया है साइटोप्लाज्म के साथ में, क्योंकि वायरस कहाँ पे है, सेल के अंदर है, और सेल के अंदर से उसने जब साइटोप्लाज्म को कंज्यूम किया तो उसके साथ में वायरस भी उसके साथ में आ गया है अंदर। और अब जब वो जाती है किसी भी हेल्दी प्लांट पे, जैसे मॉस्किटो की मैंने बात बताई थी ना कि किसी अनहेल्दी प्लांट अनहेल्दी ह्यूमन के अंदर से खून को लेकर के आता है, तो खून में क्या होता है, हमारे प्रोटोजोआंस होते हैं, प्लाज्मोडियम होता है, उसी तरह यहाँ पे भी क्या होता है, इन्फेक्टेड प्लांट के अंदर पहले वो जाता है लीफ पे, उसमें अपनी स्टिंग चुभोता है, उसके सेल सैप को चूसता रहता है, और उसी समय क्या होता है, उसी समय जस्ट हमारा जो वो चूसता रहता है जिसको मतलब कि वो पत्तियों को उसी के साथ में सेल के सैप के साथ में उसके अंदर वो वायरस अंदर एंटर कर जाता है। और जब वो वायरस उसके अंदर एंटर कर जाता है तो वो जाता है किसी हेल्दी प्लांट पे कि भाई अब चले हम दूसरे वाले प्लांट पर। जैसे ही वो जाकर के दूसरे वाले प्लांट के लीव्स के लोअर सरफेस की तरफ जहाँ पे स्टोमेटा वगैरह होती है, जब वहां से अपने स्टिंग को घुसाता है, तो उस समय ताकि वो सेल सैप को अंदर गेन कर सके उस हेल्दी वाले लीव्स की, तो वो उस समय क्या होता है, जो वायरस वो कांटेक्ट में आ जाता है हेल्दी प्लांट के, और इस तरह वो वायरस इंजेक्ट कर दिया जाता है हेल्दी प्लांट में। क्योंकि एक कीड़ा उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता है पूरे प्लांट को, थोड़ा एक पत्ती को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन यहाँ पे वायरस जो है वो जैसे ही पत्ती के अंदर अटैक करता है वो पूरे प्लांट के फंक्शंस को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आपको डायग्राम में कि यहाँ पे जो व्हाइट फ्लाई है वो लीव के इस स्ट्रक्चर पे बैठी हुई है और वो लगातार क्या कर रही है, सक कर रही। तो वहां पे लिखा हुआ व्हाइट फ्लाई सक सेल्स सैप फ्रॉम द हेल्दी लीव्स एंड इंजेक्ट वायरस इनटू द हेल्दी लीव्स इनसाइड द हेल्दी लीव्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब ये प्लांट के सैप को सक कर लेते हैं, उसको इन्फेक्टेड कर देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इन्फेक्टेड करने के बाद
जो लीफ होती है वो तो कर्ली होनी शुरू हो जाती है, साथ में ये वाइट फ्लाई जो होते हैं ये अपने एग प्रोड्यूस करते हैं रिप्रोडक्शन के द्वारा, उन्हीं पत्तियों पे अपने एग को भी प्रोड्यूस करते हैं और एग को प्रोड्यूस करके छोटे छोटे निम्फ बना लेते हैं जो कि आगे जा करके और भी वाइट फ्लाई बन जाते हैं। अब बात समझ आती है कि ये डिजीज ट्रांसमिट कैसे हो रहे हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये डिजीज कोई सीड बॉर्न डिजीज नहीं होता। आप सभी को पता है कि वायरस एक ऐसा पार्टिकल है या फिर वायरस एक ऐसी चीज है जिसके पास में ना तो कोई पॉइजन सिक्रीट करने की क्षमता है अगर वो अकेला है तो, क्योंकि वो किसी ना किसी हेल्थ के द्वारा ही वो किसी भी प्लांट बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है। तो क्योंकि वो वैसे तो एंटर नहीं कर सकता क्योंकि ना तो वो एपिडर्मिस को क्रॉस कर सकता है ना तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, लेकिन उसके लिए उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, उसके लिए उसको पड़ती है उस वेक्टर की जरूरत जिसका नाम है वाइट फ्लाई, और उसकी हेल्प से ये जाते हैं। लेकिन जब ये एक बार वायरस पहुंच गए और प्लांट को अनहेल्दी कर दिया तो दोबारा वो जो वाइट फ्लाई वहां पे निम्फ वगैरह बन रहे हैं वो दोबारा उस लीफ को कंज्यूम करते हैं, वहां से साइटोप्लाज्म को जो बीमार लीफ है वहां से उसके साइटोप्लाज्म को कंज्यूम करते हैं और उस इन्फेक्शन को ले जाकर के किसी दूसरे प्लांट पे फिर से छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से फिर से एक हेल्दी प्लांट जो होता है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी डिजीज साइकिल और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डिजीज साइकिल ये वाली समझ में आई होगी। अब हम लोग बात करते हैं डिजीज मैनेजमेंट की, कि हम लोग ऐसे कौन कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे कि हमें इस डिजीज से छुटकारा मिल जाए। देखिए, डिजीज मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको कई दफे बताया हुआ है कि आखिर डिजीज मैनेजमेंट क्या होता है। डिजीज मैनेजमेंट के अंदर हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम अपने प्लांट का ख्याल रख सकते हैं। तो वो सारे प्रोसीजर जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, जैसे प्रनिंग करते वक्त ध्यान में रखना है, इन्फेक्टेड पार्ट को डिस्ट्रॉय करते वक्त ध्यान रखना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। पर कुछ कॉमन ऐसे पॉइंट्स जो कि आपको डिजीज मैनेजमेंट के अंदर जानने जरूरी है, जैसे कि इसमें सबसे पहली चीज जो है वो है रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स एंड डिस्ट्रॉय। ठीक है, पहली बात तो आपको क्या करना है कि जो भी पार्ट ऐसा है जो कि भाई या जो भी प्लांट ऐसा है जो इन्फेक्टेड है उसको हटा लेना है। मेरी बात तो यही होती है कि अगर किसी तरह का वायरल इन्फेक्शन है ना तब आप प्लांट को वहां से तुरंत हटाओ, बहुत ही सेफली हटाओ, अपने हाथ से बचाते हुए हटाओ, क्योंकि वायरस है वो फैल सकता है। तो अपने हाथ को बचाते हुए ग्लव्स के थ्रू या फिर जो भी चीज आप लो उसको ले जाकर के जला दो या फिर कुछ भी कर दो, उसको सेफली जला दो ताकि वो स्प्रेड ना होने पाए और अपने हाथ को भी अच्छी तरह से सैनिटाइज कर लो। डिस्ट्रॉय, उसके बाद है कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट। भाई साहब, सबसे बड़ी चीज, अगर वाइट फ्लाई नहीं होगा तो वायरस का इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। अगर इस तरीके के जो भी इन्फेक्टेड वेक्टर हैं अगर ये नहीं होंगे, मतलब कि ये जो वेक्टर जो वायरस को ले जाने का काम कर रहे हैं अगर इसको खत्म कर देंगे तो खत्म। लोग क्यों मलेरिया को खत्म करने के लिए क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर मच्छर खत्म हो जाएंगे तो मलेरिया का प्लाज्मोडियम लेकर के कौन जाएगा, क्योंकि ब्लड तक तो वही पहुंचाने का काम कर रहा है ना। तो मलेरिया आपका रहे, प्लाज्मोडियम रहे, वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पर जब तक वो ब्लड में नहीं जाएगा, और ब्लड में कब जाएगा जब उसको मच्छर लेकर के जाता है। तो मच्छर को खत्म करो, मलेरिया खत्म होगा। उसी तरह यहाँ पे वाइट फ्लाई को खत्म करो तो ये बीमारी खत्म हो सकती है। दूसरी चीज, इसके लिए हम लोग फॉलिडॉल का इस्तेमाल करते हैं, ये केमिकल है जिसका इस्तेमाल करते हैं, 0.3% फॉलिडॉल का इस्तेमाल करते हैं, डेमेक्रेन का इस्तेमाल करते हैं, नुवान का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका आपको केमिकल कंपोजिशन बताया हुआ है कि किस तरीके से करना है। तो जब आप इन सब का इस्तेमाल करें, जैसे फॉलिडॉल है, डेमेक्रेन है, नुवान है, इन सब का इस्तेमाल आप जब भी करें तो अच्छे से एग्रीकल्चर वाले या फिर जहां से भी आप बीज भंडार वगैरह से ले रहे हैं आप उनसे एक बार सॉल्यूशन जरूर पूछ लें। डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी का उपयोग करना, भाई मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि अब साइंस एडवांस है, डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी आ रही है, तो आप फालतू में क्यों जाकर के अपनी एक साल की मेहनत खराब करोगे, जाकर डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी ले लो, अच्छी वैरायटी, जैसे कि है परभनी क्रांति है जो कि बेस्ट सिलेक्टेड, अगर मैं 10 की बात करूँ तो आर्का अनामिका है, आर्का अभय है, पंजाब 7 है, हाइब्रिड 6 है। तो ये सभी ऐसी वैरायटीज हैं जो कि मोज़ेक मतलब कि ओकरा की आती हैं, आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो ये डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी है, तब आपको कभी भी फ्यूचर में इन बीमारियों या फिर इन इंसेक्ट से कोई भी खतरा नहीं होगा। तो मैं एक बार रिवाइंड कर देता हूं आपके सामने कि मैंने अभी आपको क्या क्या चीजें बताई। तो सबसे पहले आप इस बात का ध्यान में रखेंगे कि मैंने आपको एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन बताया जहां पे मैंने आपसे बात किया कि कौन कौन सा टेम्परेचर, कौन कौन सी चीजें हमारे वायरस के लिए और हमारे पैथोजन के लिए मतलब हमारे वाइट फ्लाई के लिए ज्यादा अच्छी हैं, वार्म और ह्यूमिड कंडीशन को फॉलो करते हैं। गर्मी के टाइम पे जैसे कि फरवरी और मार्च को छोड़ करके बाकी ये और टाइम पे
काफी नुकसान पहुंचाते हैं प्लांट को, तो इस बात का आप खास ख्याल रखेंगे। साथ में अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं कॉजल ऑर्गेनिज्म की, तो व्हाइट फ्लाई और बहुत सारे ऐसे फ्लाईज हैं या फिर ऐसे इंसेक्ट हैं जो कि बीमारियां फैलाते हैं। बीमारियां फैलाने का काम केवल इतना है कि अगर इंसेक्ट अपना केवल नुकसान पहुंचाते प्लांट को तो फिजिकल होता, इंटरनल उतना नहीं होता, लेकिन यहाँ पे चूंकि वायरस है तो वायरस पूरे प्लांट को अंदर से खत्म कर देता है, पूरे सिस्टम को हिला देता है, तो इसलिए ये ज्यादा खतरनाक बन जाता है। तो वायरस को रोकना है तो वायरस को कैसे अंदर ले जाने से रोकना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अंदर उसको एक ही चीज दे दिया जाता है, व्हाइट फ्लाई। तो व्हाइट फ्लाई पे कंट्रोल कर लीजिए, वायरस पे कंट्रोल हो जाएगा। बाकी रहे डिजीज साइकिल की बात, तो आप एक बार और रिवाइंड करके देख लीजिएगा अगर आपको नहीं समझ में आया। तो आशा है कोई वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।